Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So today we are going to solve the remaining questions of exercise 1.3. So let's start with the question number 5, because in the previous video we have solved question number 3 and question number 4. So in this video we are going to start with directly question number 5. Let's start. So this is our question number 5. Question number 5 says, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion 1 by 17 and perform the division to check your answer. Means we have to do the division part of this 1 by 17, and after this we have to say how many blocks are repeating, means how many digits are there in the repeating block. So for this, first of all we have to do the division part, because in this question directly they are saying that perform the division to check your answer. So first of all, baki ki baatein baad mein karte hain, let's do the division part first. Friends, I have done with this division part, it's totally very long. Aap log please isko khud divide karke dekhiye to aapko acche se samajh mein aa jayega. अब मैं ये पूरा डिवाइड होने के बाद अब हमें ये देखना है कि कितनी डिजिट्स जो है वो क्या हो रही हैं, आ रही हैं. मतलब हमने इसको डिवाइड किया, अभी रिपीटिंग ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होगा, तो पर्टिकुलर उस ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट्स आएंगी. तो पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास रिपीट कहाँ से हो रहा है. आप देख रहे हो कि 119 के बाद आई गॉट द रिमाइंडर 1 के बाद 00, मींस ये वाला जो प्रोसेस था वापस यहाँ पर रिपीट होने लगा. तो ये क्या था, 0.0505. यहां से अब वापस यही सारी डिजिट्स क्या होंगी, वो रिपीट करेंगी. यानी कि तो रिपीटिंग ब्लॉक में हमारे पास क्या है, अगर 1/17 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है 0.0582 3529411 7647. ये तो हमारे पास डिजिट्स आई हुई है, क्योंकि इसके बाद जो 05 है वो वापस रिपीट होने लगा है. तो हमें एक ही रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर बताना कि कितनी डिजिट्स आ रही हैं. तो अब ये रिपीट होगा पूरा वापस, तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगी, बार. अब इसके अंदर कितनी डिजिट्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, सो 16 डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक. मतलब कितनी डिजिट्स हैं, 16 डिजिट्स हैं. अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, नोट आप कर लीजिए. 16 है इसमें, हमने निकाला, इससे कम भी हो सकती है ना, क्योंकि अगर आप किसी और चीज को डिवाइड करोगे तो वो 1 2 1 2 1 2 दो में ही बार बार रिपीट हो रही है. लेकिन हमेशा याद रखना कि यहां पर जितनी भी डिजिट्स रिपीट होंगी वो इस डिविजर से एक कम ही होगी. ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखना. ठीक है, अगर 17 है तो यहां पर कितनी रिपीट हुई है, हमारे पास 16 डिजिट्स रिपीट हुई है. 16 मतलब 17 से एक कम, कभी उससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो हमेशा उसे एक कम डिजिट्स तक ही वैल्यूज रिपीट करेंगी. ओके, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है आपको. इससे पहले भी टर्मिनेट हो सकता है, सॉरी इससे पहले, इससे कम में भी रिपीट हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ओके, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा आपको और वैल्यू कुछ भी हो, यहां पर हमें 17 दी है तो 16 एक वैल्यू उससे कम लेंगे हम, 16 उतनी तो रिपीट करेंगे नहीं, अगर उससे कम करती है देन इट्स वैलिड गुड. ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं. ओके ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. प्लीज राइटिंग मत देखना, बिकॉज वो बहुत लंबा क्वेश्चन था तो मैंने बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में लिखा है. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन डायरेक्टली, इट इज देयर इन द बुक, सो नो नीड टू रीड दिस, इट इज जस्ट फॉर मी ओनली. सो लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू, बट क्यू शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स. मीन्स वी हैव टू टेक द रेशनल नंबर
in this P and Q should be like in which there should not be any common factors other than 1. Okay. And having terminating decimal representation. Okay. Then after this we have to say, can you guess what property Q must satisfy? तो सबसे पहले examples लेते हैं, उसके बाद बाकी का देखते हैं, ठीक है? Let's take some examples. I have taken 5 by what? Let me take 4. Next, 7 by 10. Next, let me take 8 by 5. Okay? मैं सिर्फ वही ले रही हूँ जिनका कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए जिनके बीच में. ओके, कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए और टर्मिनेटिंग होने चाहिए. ओके, अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में 9 ले लूं या 7 ले लूं तो ये क्या होंगे? मे बी अगर मैं कोई और दूसरा लूं तो उसमें टर्मिनेट हो भी जाए, बट हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है? तो मे बी इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? बट इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे सावधानी से सिर्फ वही डिनोमिनेटर में नंबर लेना पड़ेगा जो कि मुझे लगता है कि हाँ वो टर्मिनेटिंग होगा. ओके, सो लेट्स जस्ट टेक नेक्स्ट 3 बाय, लेट मी टेक 8. ओके फाइन, तो आई हैव टेकन दीज एग्जाम्पल्स. तो पहले सिर्फ इन्हीं एग्जाम्पल्स पे लेके चलते हैं क्योंकि इनमें से 5 by 4 there is no common factor, 7 by 10 there is no common factor, 8 by 5 there is no common factor, 3 by 8 there is no common factor. Okay, so अब इसमें बोला गया है कि हमने P and Q ले लिया जिसमें एक में कोई भी common factor नहीं था other than 1 and having terminating decimal representations, ठीक है? Can you guess what property Q must satisfy? ठीक है, मतलब अगर मैंने ये लिया है तो obviously they are terminating. टर्मिनेटिंग है, अगर आपको डिवाइड करके देखना है तो मैं आपको एक डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ. 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 4 1 0 4 2 8 2 0 4 5 20, तो इसका आंसर आ गया मेरा 1.25. ओके, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो इट सिंपली 0.7, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे. नेक्स्ट 5 8 5 1 5 3.056 30 1.6. ओके, नेक्स्ट 8 3.0 8 3 24 6 0 8 7 56 4 0 8 5 40, तो इसका आंसर आ गया 0.375. तो मैंने जो नंबर्स लिए हैं वो मैंने कैसे लिए हैं? टर्मिनेटिंग लिए हैं, ठीक है, जिनमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. अब इसमें हमें जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था वो पार्ट हमने कर दिया है. अब इसके बाद दे आस्क्ड अस टू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. क्यू मीन्स दिस, क्या कॉमन लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको इसमें, क्या दिख रहा है क्यू में, क्या चीज है ऐसी जो हम बता सकते कि यस दिस प्रॉपर्टी कैन बी देयर इन द Q पार्ट. सो ये आपने देखा 4, यहां पे मैंने देखा 10, दिस इज 5 एंड दिस इज 8. अगर मैं इसके फैक्टर करूंगी 2 into 2 2 into 5, इट्स 5 into 1, इट्स 2 into 2 into 2, क्या लग रहा है? तो Q की जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि Q में जो भी हम डिजिट लेंगे इट शुड बी द फैक्टर ऑफ 2 and 5, और वी कैन से इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 2m and 5m, वेयर m कैन बी इंटीजर, कैन बी एनी इंटीजर. ओके, ये क्या है, ये 2 square है. ओके, इट्स 2 1 into 5 1, इट्स 5 1, इट्स 2 3, राइट, 2 की पावर 3. तो क्या है, या तो 2m और 5m, मतलब 2 की पावर होगी या फिर 5 का
पावर होगी, कहां पर? डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर डेफिनेटली हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखो ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हुई, आप सिंपल सी चीज देखो कि कोई भी नंबर है टू से डिवाइड हो ही जाएगा, राइट, पॉइंट में आंसर आएगा, है ना, टर्मिनेटिंग होगा और टू से वो डिवाइड हो ही जाएगा। और हमें ये भी पता है कि वो फाइव से भी डिवाइड हो जाएगा, तो अगर वो नंबर टू से डिवाइड है, फाइव से डिवाइड है, तो ऑब्वियसली उसके जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी मल्टीपल्स होंगे, वो नंबर उनसे भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 7। सो इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड अस टू राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सटेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इट मींस इरेशनल नंबर्स। ओके, तो हमें क्या लिखना है, 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सटेंशंस क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ओके, 3 डेसिमल एक्सपेंशंस की बात की गई है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशंस, इरेशनल नंबर्स, प्रीवियस वीडियो प्लीज जाके जरूर देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, इट कैन बी 1.0001001001000001000001 एंड सो ऑन। ओके, हमने √2 पढ़ा था, क्या पढ़ा था √2 हमने पढ़ा था कि ये भी क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होगा। तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, √2 की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दैट। आप पाई की वैल्यू लिख सकते हैं, ओके, पाई सबको पता है 3.14, 3.1415, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो 3 मैंने बता दिए, इस तरीके से आप बहुत सारे डेसिमल एक्सटेंशंस बना सकते हैं विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो ओनली दिस थिंग यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आस्क्ड अस टू फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मींस 5/7 एंड 9/11 हमें दिया गया है और हमें इसके बीच में क्या फाइंड करने हैं, इरेशनल नंबर्स। अभी आपने एक चीज देखी है कि हमें रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कि क्या होता है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, फिर उसके अंदर से हम क्या निकालने वाले हैं, इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दिस 2 रेशनल नंबर्स। सो दिस आर आवर डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 5/7 एंड 9/11। नाउ लेट्स सी दिस पार्ट, लेट मी राइट हियर, decimal expansion of 5/7 is equals to 0.714285, okay, and then 7 again this block is repeating, so I will take till here and here I will put bar because this particular digits will again gonna repeat, okay, so I will put the bar here. Next, 9/11. It is simply 0.81. Then again 81. So I will put the bar 0.81. So now I have this decimal expansion 0.71. Okay, and 0.81 approximately I have taken. I have to find out 3 rational numbers between these 2 rational numbers. तो इट कैन बी एनीथिंग, अभी 71 से लेके 81 के बीच में आपके पास कितने सारे नंबर्स हैं, आपको इरेशनल नंबर्स बनाने हैं, तो आप कहीं से भी कुछ भी कैसे भी टर्म लेके बना सकते हो, आपको भी पता है। सो 3 इरेशनल नंबर्स, तो 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन the rational numbers 5/7 and 9/11 are,
अभी 71 तक तो हमारे पास है, अब 72 को बना लेते हैं। 0.7207200 7200072 and so on. This is the one. 3 we have to find out. Next, आप 73 ले लो, 74 ले लो, 75 ले लो, तो 0.7500 7500 7500 7500 and so on. Next, 7900 7900 7900 7900 like this. कैसे भी मैंने इस तरह से बनाया, आप और भी तरीके से बना सकते हो। यू कैन टेक एनी थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन नंबर 9 एक कंक्लूजन है हमारा कि हमें अभी तक रेशनल और इरेशनल कितना समझ में आया। लेट्स डू इट। द फर्स्ट इज √23। अभी ये रेशनल है या इरेशनल है? नाउ √23, अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो देर इज ओनली 23 and 1, नथिंग इज देयर। ओके, तो ये सिंपल सी चीज है, ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ओके, इसके कोई भी फैक्टर्स निकालेंगे तो नहीं बनेगा। √23 है, उसी को आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या निकलेगी, इरेशनल। नेक्स्ट √225। अभी जब बड़ा नंबर है तो आपको कैसे पता चलेगा, अभी √23 तो चलो समझ में आएगा कि इसके फैक्टर्स नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, तो हमने उसको लिख दिया इरेशनल नंबर। बट √225 इसके लिए आपको सब कुछ पता है, किस तरह से निकालते हैं, राइट? आप कर सकते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। 3 2 6 3 5 15 5 5 2, यानी कि 3 × 5 × 5। ओके, 3² × 5² मीन्स 3 × 5 15। 15 मतलब √225 की वैल्यू क्या निकली, 15, और 15 क्या है, रैशनल नंबर। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। ओके, देख 0.3796। अभी इसके आगे मतलब ये खत्म हो गया, यहाँ पर हमें टर्मिनेटिंग मिल गया है। ओके, तो टर्मिनेटिंग अगर होता है तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। अगर आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ टर्मिनेट, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट इज रैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल नंबर पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज टर्मिनेटिंग। सो इफ इट इज टर्मिनेटिंग, इट्स ऑब्वियसली अ रैशनल नंबर, एंड इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट्स एन ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट दिस, अभी यहां पर क्या हो रहा है, डैश 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 478 478, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग, तो रैशनल नंबर होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। लास्ट 10100100140 मीन्स ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, राइट? एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर पहले एक जीरो था, फिर दो आ गए, फिर तीन आ गए, तो नहीं हो रहा है। तो जब इस तरीके से हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यूज मिलती हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट रैशनल इरेशनल नंबर, एंड हियर वी हैव डन विद आवर एक्सरसाइज 1.3। एक बार और अच्छे से देख लीजिए इसको, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और प्लीज इसका रिवीजन आप बार बार अच्छे से करिए। सो हियर वी हैव डन विद दिस एक्सरसाइज 1.3, और हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और समझ के सॉल्व किया है, और हमें समझ में आ गया है। मेक श्योर कि आपको समझ में आ गया है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और मैथ्स आप बार बार हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो कि आपको दिमाग में बैठ जाए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके, सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।